गुड. थैंक यू सो मच इशिता मेरी विश को पूरा करने के लिए. प्लेजर. मैम शगुन प्लीज हाँ थोड़ा कंट्रोल करो. पार्टी में तुमने इतनी रबड़ी खाई थी और आज ये गोलगप्पे. अरे पार्टी थी, अब रोज रोज पार्टी थोड़ी ना होती है. आई विल बी केयरफुल, आई प्रॉमिस. वैसे शीता मुझे पार्टी से याद आया कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना. हाँ बोलो क्या हुआ. तुम्हें याद है वो लेडी पल्लवी? हाँ लॉयर मिस्टर चड्ढा, अमर चड्ढा की वाइफ. तुषार वाज राइट. कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है. मतलब क्या गड़बड़ है? जब मैं बॉम्बे से दिल्ली आई उस फेक सरोगेसी के केस के लिए तब वो मुझसे मिलने आई थी. मुझे याद है वही थी और उसका नाम पल्लवी नहीं प्रगति है. What? वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने आई थी. लेकिन फिर बहुत डिस्कशन हुआ, मैंने उससे बहुत पूछा, उसने मुझे अपने हस्बैंड का नाम नहीं बताया. लेकिन आई एम प्रीटी श्योर ये वही थी. शगुन 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 तुम्हें गलतफहमी हुई है. तुमने ध्यान से देखा ना मिस्टर चड्ढा की वाइफ को? ध्यान से देखा तुमने? मैंने ठीक से देखा. वो पल्लवी नहीं प्रगति है. पॉसिबल है शगुन, सही कह रही हूँ. इट्स क्वाइट पॉसिबल. एक्चुअली मैं मिस्टर चड्ढा उनके घर में जब वो फाइल देने के लिए गई थी तो पल्लवी उसके हाथ में मैंने एक चोट देखी. और शीता फिर से तुम शुरू मत हो जाओ यार. जब एक औरत आके हमारी गाड़ी से टकराई थी मैंने कहा था कि वो पल्लवी है. सुनो तो रमन वो लेडी जिस जगह उसको चोट लगी होनी चाहिए थी बिल्कुल उसी जगह पल्लवी को भी चोट लगी हुई थी. और जब मैंने उसे सवाल जवाब किया तो ये मिस्टर चड्ढा और पल्लवी इन लोगों ने मिलके ऐसा लगा जैसे कि कहानी बना रहे हैं. पता नहीं पल्लवी तो एकदम से डर गई थी, सकपका सी गई थी. और वो हमेशा ही डरी सहमी सी लगती है. आई डोंट नो, हो सकता है कि वो अपने पति से डर के भाग रही हो और इसलिए आके हमारी गाड़ी से टकरा गई हो. और फिर तुषार ने तो अपनी आंखों से देखा ना मिस्टर चड्ढा को पल्लवी से लड़ते हुए. जब तुषार ने पूछताछ की तो उन लोगों ने कहानी बदल दी. सुनो यार बिना पूरी बात जाने कंक्लूजन पर नहीं आते हम लोग. शगुन कह रही है ना जो औरत उसके पास आई थी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करने उसका नाम प्रगति था और मिस्टर चड्ढा की वाइफ का नाम पल्लवी है. तो हो सकता है कि दोनों अलग अलग औरतें हों यार. झूठा नाम बताया हो सकता है या हो सकता है कि उसकी शादी का पहले वाला नाम प्रगति रहा हो बाद में पल्लवी हो गया हो. कुछ भी हो सकता है. आई मीन हाउ द हेल कैन यू रीच अ कंक्लूजन. अरे पल्लवी चड्ढा मिस्टर चड्ढा की वाइफ है और मिस्टर चड्ढा हमारे लॉयर हैं जो रोहित के केस में हमारी हेल्प कर रहे हैं. हम रिस्क नहीं ले सकते. देखो आई अंडरस्टैंड औरत होने के नाते तुम दोनों का फर्ज बनता है एक औरत की चिंता करना. लेकिन पल्लवी अपने आप को संभालेगी यार. और अगर वाकई ऐसा कुछ है डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस है तो तुम पल्लवी से दोस्ती बढ़ाओ. अगर ये बात सच निकली तो फिर जाके हम उसकी मदद करेंगे ना. बिना मतलब किसी की लाइफ में थोड़ी इंटरफेयर कर लेंगे हम यार. रमन ठीक कह रहा है, तुम लोग इस बारे में ज्यादा टेंशन मत लो. हिस्सा फिलहाल चलना चाहिए, देर बहुत होगी. अजीब क्रेविंग होती तुम लोग की यार, पानी पूरी खानी आधी रात को. अब वो प्रेग्नेंट तो हो. रो क्यों रहे हो? रोहित क्या हुआ? बाप मुझे प्यार नहीं करते ना. ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ. तो फिर आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? बेटा मैं आपको छोड़ के थोड़ी ना गई थी. शगुन मम्मा को अचानक पानी पूरी खाना था, वो बनाने गई थी. इतने रात में पानी पूरी? इधर आओ मेरा छोटू. ओके लिसन, ये जो प्रेग्नेंट मॉमीज होती है ना उनको अचानक से कभी भी डे नाइट कुछ भी खाने का मन कर सकता है. आस्क पापा. इसलिए शगुन मम्मा को भी मन किया. वो क्या होता है ना मम्मा की टमी में बेबी होता है, बेबी का जो मूड होता है खाने का मम्मा को वो खाने का मन करता है. तो मतलब आप मुझसे नहीं वो जो नया बेबी आएगा आप उससे प्यार करते हो? एक्चुअली रोहित तुम सही कह रही हो, तुम्हारी इसी माँ सिर्फ अपने आप से प्यार करती है, पापा से भी नहीं करती. देखो इसलिए भाग गई मुझे भी छोड़ के, मुझे ढूंढने जाना पड़ा पता. क्या रमन अब जब तक एक हक नहीं देगी पापा को पापा कैसे मानेंगे? हाँ हक तो नहीं मिलेगा आपको इतना आसानी से. इश्मा पापा से प्यार नहीं करते? ये लो हग मिल गया पापा को. बहुत प्यार करती हूँ रोहित से भी पापा से भी. एक्चुअली क्या है तुम्हारी इश्मा बहुत प्यार करती है और पापा भी इश्मा से बहुत प्यार करते हैं, जैसे रोमियो और जूलियट. उतना लव नहीं पापा, आप रोमियो और जूलियट मत बनो. फिर आप वही करोगे इश्मा के साथ जैसे अंकल आंटी को कर रहे थे. क्या हुआ रोहित? कौन अंकल आंटी? क्या पापा तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे ना कभी? क्या कर रहे थे अंकल आंटी को? हाँ अंकल आंटी का हैंड ट्विस्ट कर रहे थे.
और मुझे कह रही है कि वो प्यार दिखा रही है रोमियो और जूलियट की तरह। हाँ, ट्विस्ट करके कोई प्यार दिखाता है क्या? मोहन अंकल आंटी भी किसकी बात कर रही है? चड्डा अंकल और आंटी। इस बार तो मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, पर अगली बार जान से मार दूंगा। कौन मिस्टर चड्ढा ऐसे कैसे हो सकते हैं? I just don't believe it. अपनी बीवी पे वो हाथ कैसे उठा सकते हैं, जबकि वो तो एक अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान है। पल्लवी कितनी अच्छी लड़की है यार, she's so sweet. उसे मार कैसे सकते हैं वो? रूही बच्ची है, उसने कहा तुमने मान लिया? अरे हो सकता है उसने जो देखा बात वैसी ना हो, मियां बीवी आपस में कुछ बात कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, रूही को गलतफहमी हो गई यार, बच्ची आफ्टर ऑल। नहीं रमन, रूही है बच्ची लेकिन वो बहुत स्मार्ट है। रमन आप भी तो कितने बार मेरा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हो, मुझे आप वन लाइनर्स बोलते हो, बाहर वालों को तो लग सकता है कि वो ताने हैं। हमारी रूही को अच्छी तरह से पता है कि दिस इज ऑल नॉर्मल। उसे रोमांस एंड वायलेंस के बीच में अंतर पता है। अगर उसने कुछ कहा है कि मिस्टर चड्ढा पल्लवी के साथ ठीक नहीं थे, उसने मतलब ऐसा कुछ देखा होगा ना जो हमारे रिलेशनशिप में नहीं होता है, समथिंग नॉट नॉर्मल, कुछ गलत, तभी तो उसने बेचारी ने बोला ये बात। और रमन देखो, ये पहली बार नहीं कि किसी ने पॉइंट आउट किया कि पल्लवी के साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर तीन लोग एक ही तरह की बात कह रहे रमन, तो उसे नजरअंदाज कैसे कर दे? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला पल्लवी? तुमने तो कहा था कि मैं बीमार हूँ, घर पे आराम करूंगी, तो क्यों गई वहां बदलाव किया पार्टी करने के लिए? उससे नफरत है मुझको। वो इश्ता ने मुझे जबरदस्त मना कर सकती थी ना बीबी? तुम जानती हो ना कि तुम्हारा ऐसे झूठ बोल के इधर उधर जाना मुझे पसंद नहीं है। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से मुझे फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी और यहाँ आना पड़ा। क्यों गई थी तुम पार्टी में? बोलो। मैं नहीं जाना चाहती, बड़ी शिद्दत पर गई ना वहां पे, ना मुझे पूछा ना इन्फॉर्म किया, बस पहुंच गई। बहुत एंजॉय कर रही थी तुम। सुना मैंने वो औरत क्या कह रही थी? कंप्लेन लिखवाने गई थी ना तुम? मेरी कंप्लेन लिखवाने गई थी? हाँ मेरी कंप्लेन। मैंने नहीं बताया, मैंने तो पाना भी नहीं लिया है। तो मैंने सिचुएशन संभाल ली, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना सजा दूँ। याद है ना पिछली बार क्या किया था मैंने? You know I can't see you like this. You know I love you. I love you so much. I love you so much.